आज का ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाला है जो इस कंफ्यूजन में रहता है कि उसको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप का एग्जाम देना चाहिए, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम हो चाहे सीए फाइनल का एग्जाम हो। मैं आज की इस वीडियो में दोनों के लिए बताने वाला हूँ। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट का। जैसे उस टाइम क्या हुआ था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रहा था, तो उस टाइम कोचिंग में लगभग 100 स्टूडेंट थे जब मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रहा था उस कोचिंग में। तो 100 स्टूडेंट में क्या हुआ कि लाइक 80 टू 90% स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सिंगल ग्रुप देगा और उसका फर्स्ट ग्रुप का जैसे क्लास कंप्लीट हो गया तो उसने अपना एग्जाम प्रिपरेशन पे चले गए वो, और सेकंड ग्रुप का उसने क्लास नहीं लिया। हमने बोथ ग्रुप का क्लास लिया था, 10-15 स्टूडेंट जो भी थे, तो हम पूरा मतलब क्लासेस ले रहे थे सेकंड ग्रुप का भी। और सेकंड ग्रुप का जैसे 50% क्लास कंप्लीट हो गया था तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट आने लगा था, क्या मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूँ, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब काफी लेंथी लग रहा था। तो फिर मैंने अपने भैया से पूछा कि मुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फिर मैंने भैया को ऐसे बोला कि मैं सिंगल ग्रुप दे दूँ क्या, तो भैया ने मुझे डांटा थोड़ा सा कि ऐसा मत कर, बोथ ग्रुप का एग्जाम दे। फिर मतलब एक बार मेरे को भी कंफ्यूजन आया था कि मैं सिंगल दे दूंगा तो मेरा अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, बोथ ग्रुप शायद मैं नहीं दे पाऊँ, बट फिर भैया ने बोला कि नहीं दोनों ग्रुप दे। तो उसके बाद मैंने दोबारा सोचा ही नहीं कि मेरे को सिंगल देना है या बोथ ग्रुप देना है। एक ही मतलब टारगेट हो गया मेरा कि बोथ ग्रुप मेरे को लिखना है एग्जाम। मैंने बोथ ग्रुप का एग्जाम अटेम्प्ट भी किया, मतलब फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था और सेकंड ग्रुप का एडवांस अकाउंट एग्जाम था, और मतलब थोड़े से कम मार्क्स रहते 10-15 नंबर, तो मेरा दोनों वो सेकंड ग्रुप भी निकल जाता, तो मतलब बहुत ही मिनिमम मार्क्स मेरा रह गया था सेकंड ग्रुप। तो उसका भी मेरे को कोई मतलब वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि नहीं रह गया। फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने जो 3 पेपर बचे थे सेकंड ग्रुप का वो देके अपना एग्जाम निकाल लिया था। इस कंफ्यूजन में मत रहना, मतलब अगर आपने प्लान कर रखा है पहले से ही, बहुत पहले से कि मेरे को सिंगल ही देना है, सिंगल का क्लास वगैरह कंप्लीट करके आप सिंगल ग्रुप लिख रहे हो, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप इस कंफ्यूजन में कि आपको सिंगल देना चाहिए बोथ देना चाहिए, तो मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि आप बोथ ग्रुप के साथ जाओ। अगर आप मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, क्लासेस वगैरह आपका हो गया, तो आप बोथ ग्रुप के एग्जाम लिखो, सिंगल ग्रुप के बारे में सोचो ही मत। एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ के एग्जाम दे दो, जो होगा रिजल्ट का देखा जाएगा, चाहे एक ना एक निकलेगा ही जरूर, और चाहे आप अच्छे से देते हो एग्जाम तो आपको दोनों निकल जाएगा। तो मैं भी अपना इसी के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं बोथ ग्रुप का एग्जाम लिखूंगा सीए फाइनल का, रिजल्ट चाहे जो भी हो, चाहे मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट मेरे को दोनों ग्रुप अच्छे से प्रिपरेशन करके लिखना है चाहे जो हो। दोनों ग्रुप एक साथ लिखने से कई सारे बेनिफिट्स है, लाइक एग्रीगेट में आपको हेल्प हो जाएगा, लाइक किसी ग्रुप में आपके 2-4 नंबर ज्यादा है और दूसरे वाले ग्रुप में कम नंबर है, तो वो कंप्लीट होकर अगर 400 नंबर हो जाते हैं तो आपके एग्रीगेट बनने में हेल्प हो जाता है। लाइक मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा किसी का रिजल्ट का, मैं नाम और रोल नंबर ऐड कर दूंगा। इसमें आप देखो कि एक ग्रुप में है 205 नंबर और दूसरे ग्रुप में है 195 नंबर, और सारे सब्जेक्ट में मतलब 40 से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए कि 50% चाहिए, 50% ऑफ 800 यानी 400 आपको चाहिए। तो एक में 205 है और दूसरे में 195 है, तो ये 5 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये टोटल मिला के 400 नंबर हो जाएगा। तो ये मतलब इसका फाइनल का दोनों ग्रुप निकल गया। तो ऐसे करके आपके एग्रीगेट बनते हैं और काफी मतलब हेल्प होता है। अगर आपने पहले से प्लान कर रखे कि आपको एक ही दिन है, तब तो आप सिंगल ग्रुप लिखो। लेकिन अगर आपने मतलब दोनों ग्रुप का क्लासेस वगैरह ले रखा है बट आप कन्फ्यूजन में कि आपको सिंगल देना है या दोनों देना है, मेरे तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा आप दोनों ग्रुप लिखो। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप आपका क्या व्यू है इस पर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।